रिया चक्रवर्ती आज एनसीबी को अपना स्टेटमेंट देगी। आज सुबह से ही रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर बहुत सारी हलचल रही। क्या क्या हुआ सुबह 8 बजे से लेकर रिया चक्रवर्ती के एनसीबी ऑफिस पहुंचने तक, चलिए मैं आपको बताती हूं। कल शाम को खबरें आ गई थी कि रिया चक्रवर्ती के लिए समन तैयार कर दिया गया है। सुबह 8 से 8:30 के बीच आज रिया चक्रवर्ती के सांता क्रूज स्थित प्राइम रोज बिल्डिंग पर एनसीबी की टीम पहुंची। समीर वानखेड़े, जो खुद एनसीबी की टीम को लीड कर रहे हैं, वो रिया चक्रवर्ती को समन देने पहुंचे। वहां पर उनके साथ लेडी ऑफिसर्स भी थी। समीर वानखेड़े रिया चक्रवर्ती के फ्लैट पर गए, वहाँ पर उनसे बातचीत की। उनके सामने दो ऑप्शंस रखे गए कि या तो अभी वो टीम के साथ चले या फिर 11 बजे जो उन्हें टाइम दिया गया है तब वो खुद एनसीबी के ऑफिस आ जाए। तो शायद रिया चक्रवर्ती ने दूसरा ऑप्शन चूज किया। यही कारण है कि कुछ देर रिया चक्रवर्ती के घर रुककर एनसीबी की टीम वापस वहां से चली गई। हालांकि रिया चक्रवर्ती के घर से गई थी लेकिन सामने ही सांता क्रूज पुलिस स्टेशन है जहां पर एनसीबी की टीम को देखा गया था, जहां पर उनकी गाड़ियों को खड़ा किया गया। उन्होंने इंतजार किया क्योंकि उन्हें इंतजार करना था। रिया चक्रवर्ती ने उनसे टाइम मांगा था रेडी होने के लिए, निकलने के लिए। यही कारण है कि इस दौरान एनसीबी की टीम कुछ समय तक सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पर रही। मीडिया की हलचल बनी रही रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर। रिया चक्रवर्ती को कोई स्पॉट नहीं कर पाए या वो मीडिया से बच पाए, इसके लिए रिया चक्रवर्ती की गाड़ी को पूरा कवर किया गया। उनकी गाड़ी के कांच को काली शीट से या काले कपड़े से ढके गए ताकि कैमरास उनकी कार के अंदर कैप्चर नहीं कर पाए। 11 बजे का समय था रिया चक्रवर्ती के जाने का। 5 से 7 गाड़ियां एनसीबी की टीम आई, उसके अलावा वहां पर सांता क्रूज के पुलिस की टीम भी मौजूद थी काफी मात्रा में ताकि रिया को प्रोटेक्शन मिल पाए। 11 बजे रिया चक्रवर्ती को पेश होना था एनसीबी के सामने, लेकिन रिया चक्रवर्ती थोड़ी लेट हुई हैं। वो 11:05 पर अपने घर से निकली है और माना जा सकता है कि आज संडे है, मुंबई में ट्रैफिक कम होगा, इसीलिए माना जा रहा है कि 40 से 45 मिनट में वो एनसीबी के ऑफिस पहुंच जाएगी। अपने आप को मीडिया की नजरों से बचाने के लिए रिया चक्रवर्ती अपनी जिस गाड़ी में बैठी, उस गाड़ी को उनकी बिल्डिंग की ऐसी पोजीशन पर लगाया गया जहां से लिफ्ट से डायरेक्ट वो गाड़ी में बैठ जाए और कैमरास उन्हें कैद नहीं कर पाए। हालांकि कुछ कैमरास हैं जिन्होंने रिया चक्रवर्ती को कैद किया। उनके साथ 2 पुलिस ऑफिसर्स भी साथ में थी। ड्राइवर आया, पहले गाड़ी स्टार्ट की, ड्राइवर ने कुछ सामान भी गाड़ी के डिक्की में रखा जो उन्हें साथ लेकर जाना था, और इसके बाद रिया चक्रवर्ती 2 पुलिस ऑफिसर्स के साथ गाड़ी तक आई। गाड़ी में बैठकर वो निकल गई। रिया चक्रवर्ती जिस गाड़ी में गई उसके आगे भी कुछ गाड़ियां हैं और उसके पीछे भी कुछ गाड़ियां हैं। कुछ इस तरह से रिया चक्रवर्ती को प्रोटेक्शन एस्कॉर्ट कर रहा है। हालांकि उनकी गाड़ी को या उनका जो ये पूरा एस्कॉर्ट है उसे कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है कि सिग्नल्स पर नहीं रोका जा रहा है, उन्हें आराम से जाने दिया जा रहा है। बकायदा ये जो पूरा काफिला है गाड़ियों का, ये सिग्नल्स पर भी स्टॉप हो रहा है, सारे रूल्स फॉलो कर रहा है और उसके हिसाब से ही एनसीबी के ऑफिस जा रहा है। आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। एनसीबी की टीम के पास काफी कुछ सबूत है रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट करने के लिए और माना जा रहा है कि आज रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया जाएगा। कल रात को दीपेश सावंत को अरेस्ट किया था, रिया का भाई ऑलरेडी एनसीबी की कस्टडी में है। अब देखना यह है कि रिया चक्रवर्ती से जब पूछताछ होगी तो क्या वो सारी बातें अपने ऊपर लेगी या सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर डालेगी, या फिर जैसा उन्होंने अपनी एक दोस्त स्मिता को कहा था कि मैं फंसी तो सबके नाम खोल दूंगी, तो क्या रिया चक्रवर्ती आज सबके नाम खोलेगी या फिर वैसा ही करेंगी जैसा कि ईडी और सीबीआई के साथ किया, यानी कि ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, हेल्थ का हवाला देती रही, मैं भूल गई ये कहती रही। क्या एनसीबी के सामने भी रिया की यही सब बातें होंगी, ये सोचने वाली बात है। रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि रिया चक्रवर्ती ने सुबह ही अपनी लीगल टीम से मुलाकात की है। एनसीबी के पास जाने से पहले रिया चक्रवर्ती ने अपनी लीगल टीम से पूरी बातचीत की है और उसके बाद ही वो एनसीबी ऑफिस के लिए निकली है। आज पूरे देश की नजरें रिया चक्रवर्ती पर रहेगी। पल पल की खबरें आपको मिलती रहेगी बॉलीवुड ठिकाना पर।